टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्लोर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज फ्लोर। सो फ्लोर आर द हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स व्हिच डिवाइड द बिल्डिंग इनटू डिफरेंट लेवल टू प्रोवाइड अ सरफेस फॉर ऑक्यूपेंट टू लिव। ठीक है, दीज आर बेसिकली द हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स, दे आर प्रोवाइडेड फॉर द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ठीक है, वॉट दे डू, दे क्रिएट मोर एरिया विद इन द रेस्ट्रिक्टेड स्पेस। ठीक है, इफ यू हैव अ 100 गज प्लॉट तो उसके अंदर यू बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फ्लोर यू विल इंक्रीज द एरिया। सपोज यू हैव 2 फ्लोर देन 200 गज। ठीक है, दैट्स इन प्रोपोर्शनल यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द एरिया इन अ स्पेसिफाइड स्पेस। मतलब कि एक स्पेसिफाइड स्पेस में नंबर एरिया को तुम इंक्रीज कर सकते हो बाई कंस्ट्रक्टिंग मोर एंड मोर फ्लोर। ठीक है, द फ्लोर इमीडिएटली अबव द ग्राउंड लेवल, द फ्लोर विच इज अबव द ग्राउंड लेवल इज नोन एज, इज कॉल्ड एज ग्राउंड फ्लोर, एंड द फ्लोर बिलो द ग्राउंड फ्लोर इज कॉल्ड एज बेसमेंट फ्लोर, एंड द अबव द ग्राउंड फ्लोर इज कॉल्ड एज अपर फ्लोर। सो विच इज जस्ट अबव द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड ग्राउंड फ्लोर, बिलो ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट, अबव ग्राउंड फ्लोर इज अपर फ्लोर। ठीक है, अपर फ्लोर ऑन द बेसिस की कितने फ्लोर है उसके बेसिस पे डिफाइन होता है। ठीक है, सिंगल स्टोरीड है, टू स्टोरीड है या मल्टी स्टोरीड है। क्लियर? सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी विच आर लिंक्ड विद द फ्लोर। सबसे पहले सबग्रेड। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लोर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सबग्रेड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर वी हैव सबग्रेड, दिस इज कॉल्ड सब बेस। ठीक है, then second this is base, ठीक है, this is your DPC layer, DPC we have already discussed, ठीक है, then we have under layer, in some cases we will provide under layer, in some we will not, ठीक है, then this is called as floor topping, ठीक है, or floor topping or covering, ठीक है, these are the different components of the ground floor, so we will discuss one by one, सबसे पहले subgrade. Subgrade is the lowermost layer. This is also known as subbase. Subgrade is also known as subbase. ठीक है, चाहे subgrade के नाम से आए चाहे subbase के नाम से, both are same. How we prepare this? Subgrade में basically what we do, जो earth fill होता है नीचे, उसको हम compact करते हैं. उसको compact करने के बाद एक layer डालते हैं, किसकी? Coarse sand की. ठीक है, coarse sand की layer डालते हैं. And the function of subgrade is to provide the strength and to increase the bearing capacity of the soil. Bearing capacity पहले भी बता चुका हूँ. ठीक है, बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की इंक्रीज करता है और स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है टू द फ्लोर. ठीक है, और प्रिवेंट करता है फ्रॉम फ्लोर सेटलमेंट. तो बेसिकली व्हाट वी डू, जहां भी हमें फ्लोर कंस्ट्रक्ट करना है, सबसे पहले वी विल कॉम्पैक्ट इट. ठीक है, कॉम्पैक्ट करने के बाद वी विल पुट अ लेयर ऑफ सैंड ओवर इट. ठीक है, कोर सैंड की लेयर पुट करते हैं उसके ऊपर. देन देयर इज अ बेस, बेस अबव द सब बेस, सब बेस के ऊपर बेस. ठीक है, The base course consists either lean concrete होती है, which is 1:4:8 और lime surki 1:2, at least this is 100 mm thick, कम से कम 100 mm thick की होती है. ठीक है, the base concrete is spread all over the subgrade thoroughly tamped by the wooden rammer, wooden rammer की help से इसको tamp करते हैं. ठीक है, अब इसके ऊपर एक डैम प्रूफ कोर्स की लेयर लेट करते हैं, सो डेट कि मॉइस्चर पेनिट्रेट ना हो इनसाइड आवर बिल्डिंग. फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन ऑफ बेस कंक्रीट इज टू प्रोवाइड अ क्लीन इवन एंड सॉलिड बेस. ठीक है, फॉर द टॉपिंग, फ्लोर टॉपिंग के लिए एक इवन सरफेस प्रोवाइड करता है, इसलिए वी पुट अ बेस. देन अंडर लेयर, under layer is between the floor topping, this 4 number is called as under layer, this is between the floor topping and this is between the floor topping. ठीक है, floor topping and DPC कह लो या फिर सब base के बीच में. ठीक, sorry, base के बीच में, base और floor topping के बीच की जो layer होती है इसको बोलते हैं under layer. In some cases we provide this layer, in some we not. ठीक है, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज सेम एज बेस लेयर, बेसिकली बेस लेयर का ही एक और पार्ट है अंडर लेयर. ठीक है, सेम ये क्या करता है? क्लीन और स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर द टॉपिंग. ठीक है, फ्लोर टॉपिंग और कवरिंग क्या होता है? फ्लोर टॉपिंग और कवरिंग, इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द फ्लोर, इट इज लेड ओवर द अंडर लेयर और द बेस कोर्स. ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ फ्लोर कवरिंग आर डिस्कस लेटर, इसमें हम फ्लोर कवरिंग पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की.
फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड अ क्लीन इवन स्मूथ नॉन ऑब्जर्वेंट एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग सरफेस टू द ऑक्यूपेंट। ठीक है, जो फ्लोर तुम्हें एक्चुअली में विजिबल होता है डेट इज कॉल्ड एज फ्लोर टॉपिंग। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट किसी भी टर्मिनोलॉजी में? किसी भी टर्मिनोलॉजी में कोई डाउट? सबसे पहले वी हैव सब बेस, ठीक है, दिस इज सब बेस, देन वी हैव बेस, देन दिस इज नोन एज डीपीसी लेयर, ठीक है, देन दिस इज अंडर लेयर। ये तुमने बनाया भी होगा कैड में। देन दिस इज नोन एज टॉपिंग। किसी भी टर्मिनोलॉजी में कोई डाउट? ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर के जो ऊपर वाले फ्लोर हैं बेटा कोई डिफरेंस नहीं है, सब बेस एंड रैम्ड। रैम्ड अर्थ बेसिकली, सब बेस इज द रैम्ड अर्थ। सपोज करो ये तुम्हारी अर्थ है जहां तुम्हें फ्लोर कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, अब इसको तुम व्हाट यू डू, दिस विल अंडरगो रैमिंग। ठीक है, सबसे पहले इसकी रैमिंग करोगे। इन सम केसेस सब बेस की सिंपल तुम रैमिंग कर दोगे, रैम्ड करके छोड़ दोगे। रैम्ड से बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर के जो वॉइड्स हैं वो फिल होंगे। वॉइड्स फिल होंगे तो क्या होगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ये कंसेप्ट पहले ही बता चुका हूँ, स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। कैसे इंक्रीज होती है, क्योंकि वॉइड्स फिल होते हैं। वॉइड्स फिल कैसे होंगे, सॉलिड जो एयर है उसको फिल करेगा, उससे क्या होगा, उसकी डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी बढ़ेगी तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, स्ट्रेंथ इंक्रीज करने ये सब बेस बना। अब इन सम केसेस वी विल प्रोवाइड द कोर सैंड ओवर द सरफेस। ठीक है, कोर सरफेस ना भी प्रोवाइड करें, इसकी हम केवल कॉम्पैक्शन कर दें, दैट बेस इज ऑल्सो नोन एज सब बेस। ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। ठीक है, अब टाइप ऑफ ग्राउंड फ्लोर सबसे पहले आता है मूरम फ्लोर। क्लियर है ये सर? ठीक है, मूरम फ्लोर आर वेरी चीप, सिंपल एंड इजी इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, द फ्लोर टॉपिंग कंसिस्ट ऑफ मूरम। मूरम इज द गुड अर्थ, जो गुड अर्थ होती है, गुड अर्थ फिलिंग होती है, जिसमें वेरियस कंपोनेंट्स, वेरियस साइज के कंपोनेंट्स होंगे, उसको बोलते हैं मूरम। द टाइप ऑफ फ्लोरिंग डज नॉट प्रोवाइड अ इम्परवियस एंड नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेस। मतलब कि यदि हम मूरम यूज करेंगे तो जो सरफेस होगा वो इम्परवियस नहीं होगा। इम्परवियस मतलब यदि उसके ऊपर वाटर की लेयर, वाटर डालें तो वो परमिएबल हो जाएगा, मतलब इजीली परमिएबल हो जाएगा उस लेयर से। ठीक है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, हमने जो ये लेयर्स डिस्कस किए हैं वही उसकी मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है। सबसे पहले क्या करते हैं, वी विल ले डाउन द लेयर ऑफ सबग्रेड। सबग्रेड और सब बेस की लेयर ले डाउन करें, फिर लेयर ऑफ मूरम विल बी ले डाउन। ठीक है, अनदर लेयर ऑफ पाउडरी मूरम अबाउट 25 mm थिक इज लेड ओवर द परवियस लेयर the whole surface, then it is well compacted and rammed properly by adding enough water until the cream of murram comes at the surface. ठीक है, after 3 days the floor surface is again watered and rammed well. A thin coat of cement or cow dung is laid over the surface. This you have generally seen in villages. ठीक है, गांव वगैरह में देखा होगा। These floor are cheapest and used in poor village houses. ठीक है, murram flooring बोलते हैं जो generally तुमने villages में देखी होगी। क्लियर, ब्रिक फ्लोरिंग क्या होगा, इंस्टीड ऑफ दीज मूरम इफ बी यूज ब्रिक देन दिस इज कॉल्ड ब्रिक फ्लोरिंग। ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ब्रिक फ्लोरिंग। ब्रिक फ्लोरिंग इज यूज फॉर गोडाउन, स्टोर हाउसेज एंड चीप हाउसेज इन द विलेज। ठीक है, नेक्स्ट इज इंस्टीट्यू सीमेंट कॉन्क्रीट। ठीक है, इफ इंस्टीड ऑफ मूरम ब्रिक वी यूज सीमेंट कॉन्क्रीट देन इट इज कॉल्ड इंस्टीट्यू सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोर। ठीक है, सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोर दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज फ्लोर, जनरली तुमने अपने घर में भी देखे होंगे। इनको कॉन्ग्लोमेरेट फ्लोरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, सीमेंट कॉन्क्रीट अनदर नेम इज कॉन्ग्लोमेरेट फ्लोरिंग। इन दिस टाइप ऑफ फ्लोरिंग फ्लोर टॉपिंग कंसिस्ट ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट। ठीक है, सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट, द रेशियो ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट इज 1:2:4। द थिकनेस ऑफ द सीमेंट concrete layer depend upon the type of cement concrete and the method of construction.
द प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोर विच मेक इट वर्साइटाइल फ्लोर, वॉट आर द प्रॉपर्टीज? इट इज स्ट्रॉन्ग, हार्ड, ड्यूरेबल, ठीक है, लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ क्लीन इवन स्मूथ नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेस विद अ प्लीजिंग अपीयरेंस। क्लियर है? सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोर कैन बी कंस्ट्रक्ट मोनोलिथिक और नॉन मोनोलिथिक। मोनोलिथिक सीमेंट कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जो तुमने यू हैव फर्स्ट प्रिपेयर सब बेस देन डीपीसी देन अंडर लेयर, उसके ऊपर यू हैव प्रोवाइडेड अ लेयर ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट। अब इनके कंस्ट्रक्शन के साथ साथ ही तुमने प्रोवाइड कर दिया, तो ये जो पूरी यूनिट है, दिस होल यूनिट विल एक्ट एज अ सिंगल यूनिट। यदि ये सारी यूनिट एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करती है, देन इट इज कॉल्ड एज मोनोलिथिक। ठीक है, लिथिक इज दैट यूनिट, मोनो इज सिंगल, सो दैट होल विल एक्ट एज अ सिंगल यूनिट। और नॉन मोनोलिथिक का मतलब है कि दैट होल विल नॉट एक्ट एज अ सिंगल यूनिट। उस केस में क्या होगा, तुमने बेस तक प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, यू हैव प्रिपेयर्ड सब बेस बेस अंडर लेयर, ठीक है, अब यहाँ आके तुम रुक जाओगे एक दो दिन के लिए, ठीक है, जब तक ये हार्डन ना हो जाए, ठीक है, जब ये हार्डन हो जाएगा, आफ्टर दैट यू विल ले डाउन अ लेयर ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट, ठीक है, इसको बोलेंगे नॉन मोनोलिथिक। अब नॉन मोनोलिथिक यू कैन प्रोवाइड इन सिंगल लेयर, आइदर इन सिंगल लेयर और इन टू लेयर। क्लियर है मोनोलिथिक नॉन मोनोलिथिक और सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोरिंग? तो हमने कौन कौन सी पढ़ ली, फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मुरन, ठीक है, देन ब्रिक एंड देन इन सीटू सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोरिंग। इन तीनों टाइप की फ्लोरिंग में किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो यहां तक। बेटा मूडम इज सिंपली द मटेरियल, गुड अर्थ मटेरियल, ठीक है, मतलब कि तुम अर्थ सॉइल यूज कर रहे हो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोरिंग, That good earth material is known as मूरम। तुम soil ही use कर रहे हो for the construction of what? Floor। Floor की construction में यदि तुम soil ही use कर रहे हो तो उसको बोलते हैं मूरम। Generally तुमने villages वगैरह में देखा होगा, ठीक है, उसमें cement concrete का use नहीं करते, simply वही जो earth fill होती है उसी को use करते हैं और उसके ऊपर cow dung की layer वो कर देते हैं, ठीक है, डेट इज कॉल्ड मोडम। ठीक है, सीमेंट कॉन्क्रीट तक किसी को डाउट? ये डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स हैं फॉर मोनोलिथिक, मोनोलिथिक नॉन मोनोलिथिक समझ जाओ, इसमें और कुछ नहीं है। सीमेंट कॉन्क्रीट तो मैं सिंपली पता है, जिस मैंने पहले बताया था, क्लासिफिकेशन इज जनरली बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। हर किसी यूनिट में इस चीज को याद रखना, जब भी कोई क्वेश्चन आए और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि सर इसमें क्या लिखे, देन यू विल गो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मटेरियल जो तुमने देखे हो, ठीक है, जैसे डोर्स थे तो डोर्स ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल लिख सकते हो। विच इज चीप एंड बेस्ट एंड मोर, देखो दोनों की अलग अपनी जगह एडवांटेज है डिसएडवांटेज है। मोनोलिथिक विल बी कंसीडर एज द बेस्ट इफ यू कंसीडर इन टर्म ऑफ चीपेस्ट, ठीक है। इसमें क्यों बेस्ट बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो साथ के साथ होगा, ठीक है, नो टाइम डिले इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जनरली जो हम करते हैं वी गो विद मोनोलिथिक, ठीक है। नेक्स्ट इज टेरेजो फ्लोरिंग, ठीक है। अब देखो टेरेजो क्या होता है, इट इज अ डेकोरेटिव फ्लोरिंग कंसिस्ट ऑफ व्हाइट और ग्रे कलर्ड सीमेंट कॉन्क्रीट, सीमेंट कॉन्क्रीट की कलरिंग कर दें, ठीक है, सो एज टू प्रोवाइड ए डिफरेंट कलर विद अ स्पेशल एग्रीगेट ऑफ मार्बल चिप्स, मार्बल चिप्स उसमें एड कर दें,
ठीक है, उन मार्बल चिप्स की हेल्प से एक डिफरेंट कलर इम्पार्ट हो जाएगा टू द फ्लोर, दैट इज कॉल्ड ए टेरेजो फ्लोर। अब तुम्हें नाम से ही समझ में आ रहा होगा व्हाई वी विल डू दिस, क्योंकि और सारे एडवांटेज तो सेम रहेंगे एज ऑफ सीमेंट कंक्रीट। एक एडवांटेज क्या हो जाएगा, इसकी अपीयरेंस जो है वो प्लीजिंग हो जाएगी, फॉर प्लीजिंग अपीयरेंस वी विल डू दिस। बाकी का कंस्ट्रक्शन विल बी सेम, ओनली फॉर द प्लीजिंग अपीयरेंस वी विल गो विद टेरेजो फ्लोरिंग। टेरेजो फ्लोरिंग दो तरीके की होती है, टेरेजो टाइल फ्लोरिंग, टेरेजो मिक्स इन सिटू फ्लोरिंग। ठीक है, टाइल फ्लोरिंग में व्हाट वी विल डू, वी विल प्रोवाइड अ लेयर ऑफ टाइल ओवर द सरफेस, टेरेजो की टाइल्स दैट इज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज टेरेजो टाइल फ्लोरिंग। एंड इन सिटू, व्हाट डू यू मीन बाय इन सिटू, वी आर कंस्ट्रक्शन द सेम इन एट साइट। ठीक है, एट साइट वी आर प्रिपेयरिंग, डेट इज कॉल्ड इन सिटू। कोई डाउट इसमें? कभी भी इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो एक चीज याद रखना, टाइप्स पे आएगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लोर। किसी भी फ्लोर के बारे में तुम पढ़ो तो केवल उसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ो, ठीक है, केवल उसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ो, और उसका जो टर्म है, जैसे सपोज करो जैसे सीमेंट कंक्रीट है, सीमेंट कंक्रीट के टाइप्स क्या हैं, ठीक है, उनको पढ़ो, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस, ठीक है, एंड व्हाट इज इट्स सुइटेबिलिटी। ये लिख लो, ये चार पॉइंट ही लिखने हैं तुम्हें हर जगह। सुइटेबिलिटी मींस कि वेयर वी कैन यूज दिस, कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। ये टाइप्स ऑफ फ्लोर्स में नहीं है, ये हर किसी के लिए है, किसी के भी टाइप आए उसकी टर्म्स, ठीक है, इसकी टर्म का क्या मतलब है, जैसे सीमेंट कंक्रीट है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, उसके टाइप्स, व्हाट आर देयर एडवांटेज, ठीक है, हम जैसे सीमेंट कंक्रीट यूज कर रहे हैं ओवर ओवर मोरम और ब्रिक और टेरेस जो सपोज करो, तो उसके एडवांटेज क्या है, एंड द लास्ट वन इज वेयर वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ फ्लोर, दिस टाइप ऑफ डोर, दिस टाइप ऑफ विंडो, जो भी कुछ है। क्लियर है? नेक्स्ट इज लिनोलियम फ्लोर। ठीक है बेटा, ये एग्जाम से करिए, अभी क्लास का डाउट नहीं है, अभी क्लास चल रही है तो क्लास के डाउट पूछो केवल, ठीक है। द फ्लोर हैविंग टॉपिंग, जो टॉप सरफेस है और कवरिंग सरफेस है, टॉपिंग सरफेस इज आल्सो नोन एज कवरिंग सरफेस, इफ इट इज मेड ऑफ लिनोलियम, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज लिनोलियम सरफेस और फ्लोर। अब जो लिनोलियम वर्ड है वो किस लिए यूज किया है, बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ लिंस्ड ऑयल, व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ, लिंस्ड ऑयल, कॉर, डस्ट, वुड एंड कलर पिगमेंट। जो लिनोलियम है इट कंसिस्ट ऑफ लिंस्ड ऑयल, कॉर, डस्ट, वुड एंड कलर पिगमेंट, ठीक है, इन सब के कॉम्बिनेशन से जो फ्लोर प्रिपेयर होता है डेट इज कॉल्ड है लिनोलियम फ्लोर, ठीक है। अब इस फ्लोर की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है, इट हैज वेरी प्लीजिंग अपीयरेंस, इट इज, हाँ राम से ग्रीन, ठीक है, इट इज रेजिलियंट, इट इज ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, इट इज चीप एंड इट इजी टू क्लीन एंड मेंटेन, ठीक है। सुइटेबिलिटी क्या है, ड्यू टू देयर रेजिलियंट प्रॉपर्टी लिनोलियम फ्लोर्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल, ऑफिसेस, रेजिडेंस एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज इन द फ्लोरिंग ऑफ रेलवे कोचेस एंड स्लीपर्स एटसेट्रा, ठीक है। ये जनरली क्या प्लास्टिक सब्सटेंस बन जाता है, इन सब इंग्रेडिएंट को मिक्स कर देंगे, देन वी विल गेट अ प्लास्टिक सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस कैन बी यूज फॉर हॉस्पिटल, ऑफिसेस, इंडस्ट्रीज, ठीक है, रेलवे कोचेस, शिप्स एटसेट्रा। एंड द लास्ट वन इज पीवीसी फ्लोर्स। पीवीसी फ्लोर्स जो है दे आर जनरली मेड अप, एज अ नेम सजेस्टेड, पीवीसी इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, दीज आर ऑल्सो रेजिलियंट फ्लोर्स, दीज आर मेड अप ऑफ पीवीसी सीट्स और टाइल, पीवीसी इज अ ब्लेंडेड मिक्सचर ऑफ थर्मोप्लास्टिक बाइंडर, फिलर एंड कलर पिगमेंट। बस इतना याद रखो, पीवीसी इज अ मिक्सचर ऑफ दिस,
देन यू विल कम एट सुइटेबिलिटी, इट इज यूज फॉर लाइब्रेरीज, कंप्यूटर रूम्स, ऑफिसेज, रेजिडेंसेज, हॉस्पिटल, रेलवे कोचेस एटसेट्रा. ठीक है, सो व्हाट वी हैव डिस्कस टिल नाउ, हमने अभी तक ग्राउंड फ्लोर्स डिस्कस किए. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सस्पेंडेड फ्लोर्स. सस्पेंडेड फ्लोर्स क्या होते हैं? द फ्लोर अबव द ग्राउंड फ्लोर, जितने भी फ्लोर होते हैं, आइदर इट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, दे आर नोन एज सस्पेंडेड फ्लोर्स. ठीक है, ग्राउंड फ्लोर में किसी भी टाइप के, छह टाइप के फ्लोर हमने पढ़े. कौन कौन से? सिक्स टाइप्स ऑफ फ्लोर वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ. सबसे पहले फर्स्ट वन इज मोरम, देन देन ब्रेक, देन कॉन्क्रीट, सीमेंट कॉन्क्रीट, देन टेरेजो, देन वी हैव डिस्कस देन बेटा सामने ही है, नेक्स्ट वन इज इन फ्रंट ऑफ यू, लिनोलियम, एंड द लास्ट वन इज पीवीसी. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सुइटेबिलिटी कि कहाँ कौन सा यूज हो सकता है, उस हिसाब से हम यूज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैव सस्पेंडेड फ्लोर. सस्पेंडेड फ्लोर कौन से होते हैं? That is above the ground floor. They all are known as suspended floors. चाहे first floor हो, second floor हो, ground floor is ground floor. और उससे ऊपर वाले जितने भी होंगे उनको suspended floors बोलेंगे. Clear है? ठीक है, अब जो suspended floors होते हैं, in suspended floors we have timber. ठीक है, we have flagstone, we have jack arc, we have reinforced cement. कॉन्क्रीट स्लैब फ्लोर, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, मैं इसको इम्पोर्टेंट क्यों बोलता हूँ, हमेशा देखो जो रिसेंट में कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं दे आर जनरली बेस्ड ऑन दिस. ठीक है, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट, इसलिए कहीं भी आरसीसी का टर्म आता है मैं उसे इम्पोर्टेंट बोलता हूँ, क्योंकि जो रिसेंट में यूज हो रहा है वही सबसे ज्यादा पूछा जाएगा. ठीक है, तो रिसेंट में हम ये यूज कर रहे हैं इसलिए वी गो विद दिस इन डिटेल. बाकी सबको टर्मिनोलॉजी को समझेंगे केवल, बाकी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट को अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, रेनफोर्स ब्रिक फ्लोर, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर फ्लोरिंग विच इज यूज फॉर सस्पेंडेड, विच इज यूज इन सस्पेंडेड फ्लोरिंग. क्लियर? सबसे पहले टिम्बर, सब जानते हो टिम्बर क्या है. पहले बहुत यूज होता था, अब यूज नहीं होता, उसके कुछ रीजन है. सबसे पहला, दे कैच फायर वेरी इजीली एंड लायबल टू रोट ड्यू टू मॉइस्चर. मॉइस्चर की वजह से रोट हो जाते हैं. ठीक है, ड्राई रोट, वेट रोट, ये सब पढ़े होंगे तुमने. द अवेलेबिलिटी ऑफ टिम्बर इज ऑल्सो वेरी लेस, सो द कॉस्ट ऑफ सच फ्लोर्स आर मोर. अब जो है टिम्बर की जो अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत कम हो गई है, इसलिए टिम्बर से जितने भी कंस्ट्रक्शन होते थे अब कम करते हैं हम. ठीक है, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत हाई पड़ती है, इसलिए वी डू नॉट गो विद टिम्बर फ्लोरिंग नाउ. रीजंस बता दिए क्यों नहीं जाते, पहले यूज होती थी अब यूज नहीं करते हैं. ठीक है, दीज आर द डिफरेंट टर्म्स विच आर यूज्ड इन टिम्बर फ्लोरिंग बट नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस. ठीक है, टाइप्स ऑफ टिम्बर फ्लोर, सिंगल जॉइस्ट, डबल जॉइस्ट, ट्रिपल जॉइस्ट और फ्रेम्ड फ्लोर. केवल इनके बारे में एक एक वर्ड में एक एक उसमें डेफिनेशन याद रखना. सिंगल जॉइस्ट क्या है? द टिम्बर फ्लोर, एक बार टर्मिनोलॉजी समझा देता हूँ, नहीं समझ में नहीं आएगा. ब्रिजिंग जॉइस्ट क्या होता है? द हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर एलिमेंट प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो द फ्लोर टॉपिंग टू सपोर्ट इट अलोंग द शॉर्टर स्पैन इज कॉल्ड एज ब्रिजिंग जॉइस्ट. ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्रिजिंग जॉइस्ट. देन बोर्डिंग क्या है? वही टॉपिंग के ऊपर जो बोर्ड पुट करते हैं, ठीक है, जिसपे हम चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बोर्डिंग. ठीक है, बाइंडर्स क्या है? बाइंडर्स आर द एक्स्ट्रा मेंबर जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर द सपोर्ट ऑफ ब्रिजिंग जॉइस्ट, दैट इज कॉल्ड एज बाइंडर. गर्डर्स में भी बताऊंगा क्या होती है. वॉल प्लेट्स आर यूज्ड टू जॉइस्ट, दे आर यूज्ड टू सपोर्ट ऑन द वॉल. ठीक है, जो कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं. अब सिंगल जॉइस्ट क्या होते हैं?
द टिम्बर फ्लोर इन विच द फ्लोर कवरिंग और टॉपिंग इज सपोर्टेड और ओनली वन कॉमन ब्रिजिंग जॉइस्ट इज कॉल्ड एज सिंगल जॉइस्ट फ्लोर। ठीक है, सिमिलरली डबल, डबल में क्या होगा, एक हम बाइंडर और यूज करेंगे फॉर द सपोर्टिंग, देन इट इज कॉल्ड एज डबल। ट्रिपल में नंबर ऑफ बाइंडर्स बढ़ते जाएंगे, देन इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल जॉइस्ट और फ्रेम। ठीक है, केबल टिम्बरिंग का याद रखना और टिम्बर के टाइप्स का याद रखना। सुटेबिलिटी अब कम है, क्यों कम है, क्योंकि फायर रेजिस्ट इजीली कर देती है, रोट होने के चांसेस होते हैं, और क्योंकि ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लैग स्टोन में फिगर यहां लगी लगाई है, फिगर में ग्रुप में सेंड कर दूंगा ईश्वर। ठीक है, फ्लैग स्टोन फ्लोर रेस्टिंग ऑन स्टील जॉइस्ट। ठीक है, देखो दीज आर कॉल्ड एज द जॉइस्ट दीज मेंबर। ठीक है, फ्लैग स्टोन रेस्टिंग ऑन स्टील, फ्लैग स्टोन इज बेसिकली द प्री कास्ट सीमेंट कॉन्क्रीट स्लैब। ठीक है, प्री कास्टेड जो स्लैब्स होती है उनको बोलते हैं फ्लैग स्टोन। इन दिस टाइप ऑफ फ्लोर द फ्लोर टॉपिंग कंसिस्ट ऑफ फ्लैग स्टोन, फॉर लेइंग फ्लैग स्टोन लेयर रोल्ड स्टील जॉइंट्स आर प्लेस अलोंग द शॉर्टर स्पैन, फ्लैग स्टोन आर प्लेस ऑन द लोअर फ्लैंज ऑफ द स्टील जॉइंट, द थिकनेस ऑफ फ्लैग स्टोन इज अराउंड 40 टू 40 mm एंड देयर विड्थ इज इक्वल टू द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द जॉइस्ट। बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं, जॉइस्ट प्लेस करते हैं, जॉइस्ट के ऊपर फ्लैग स्टोन प्रिपेयर करते हैं, फ्लैग स्टोन प्री कास्टेड सीमेंट कॉन्क्रीट के होते हैं। ठीक है, दे आर पुट ओवर देयर, दिस वी विल डू इन फ्लैग स्टोन फ्लोर रेस्टिंग ऑन स्टील जॉइंट्स। बेसिकली हो क्या रहा है, स्टील जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, स्टील जॉइंट्स आर लाइक दिस, एंड द फ्लैग स्टोन इज लाइक दिस, दिस इज द फ्लोर जिसके ऊपर आप मूव करते हो। ठीक है, दिस इज फ्लैग स्टोन, एंड दीज आर स्टील जॉइस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज जैक आर्च फ्लोर्स। जैक आर्च फ्लोर्स क्या है, द फ्लोर इन विच फ्लोर टॉपिंग आर सपोर्टेड ऑन जैक आर्च इज कॉल्ड एज जैक आर्च फ्लोर, सिंपली आर्च की फॉर्म है। अब इन सब का कंस्ट्रक्शन बहुत कम होता है, पहले बहुत होता था। ठीक है, केबल टाइप्स में पढ़ रहे हैं इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ वो जो रेड स्टोन जो होता है वो पहले यूज होता था, अब नहीं यूज होता है इतना। ठीक है, राम से होता था, सही कह रहे हो। ठीक है, अभी भी जनरली तुम्हें पुराने जो कंस्ट्रक्शन है वो रेड स्टोन और स्टील जॉइंट्स होते थे, उसमें स्टील जॉइंट के ऊपर रेड स्टोन होता था। ठीक है, दीज आर्चेज आर सपोर्ट ऑन द स्टील जॉइंट, द राइज ऑफ दीज आर्च इज वेरी स्मॉल एज शोन इन फिगर। इनका जो राइज होता है, आर्चेज हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, इनका जो राइज होता है, दिस राइज इज वेरी स्मॉल, दिस इज राइज, दिस राइज इज वेरी स्मॉल इन केस ऑफ फ्लोर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज रीइंफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोर, दीज फ्लोर्स आर मेड अप ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है ये रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट के होते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ फ्लोर हैविंग देयर टॉपिंग सपोर्टेड ऑन द आरसीसी स्ट्रक्चर एलिमेंट लाइक स्लैब बीम एटसेट्रा, दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज फ्लोर्स, आरसीसी फ्लोर्स आर हार्ड, क्यों यूज करते हैं, बिकॉज दे आर हार्ड ड्यूरेबल इजी टू मेंटेन एंड क्लीन। ठीक है, अब जो आरसीसी फ्लोर्स हैं दे ऑल्सो आर ऑफ वेरियस टाइप, सबसे पहले आरसीसी स्लैब फ्लोर, आरसीसी बीम एंड स्लैब फ्लोर, आरसीसी फ्लैट स्लैब फ्लोर, आरसीसी रिब्ड फ्लोर। सबसे पहले आरसीसी स्लैब फ्लोर, आरसीसी जो स्लैब फ्लोर हैं, जो स्लैब फ्लोर होते हैं दे कैन बी ऑफ टू टाइप। ठीक है, दिस इज योर आरसीसी स्लैब, ये तुम आरसीसी में पढ़ोगे और पूरा डीप में पढ़ोगे। ठीक है, दिस इज योर आरसीसी स्लैब, सपोज दिस इज योर आरसीसी स्लैब। अब ये जो है ये दो तरह की होती है, आइदर इट कैन बी वन वे और इट कैन बी टू वे। ठीक है, वन वे कब होगी, जब द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द विड्थ,
यदि एल बाई बी, एल बाई बी रेशियो इज ग्रेटर देन टू, देन इट इज वन वे, ठीक है। इफ एल बाई बी रेशियो इज लेस देन इक्वल टू टू, देन इट इज टू वे, ठीक है। When the ratio of length to the breadth of the slab exceed 2, it is defined as one way. When this ratio is less than or equal to 2, it is defined as two way slab. ठीक है? One way जो slab होती है, उसमें basically क्या होगा? Your length will be greater than your width. ठीक है? तो इसकी जो main reinforcement होती है, basically RCC first term is reinforcement. जो steel हम provide करते हैं, जो main steel reinforcement होती है, it is provided along the shorter span. ठीक है, शॉर्टर स्पेन के अलोंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये सब पढ़ोगे, मेन रेनफोर्समेंट क्या होती है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट क्या होती है, मिनिमम रेनफोर्समेंट कब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, किन केसेस में प्रोवाइड करते हैं। केवल एक टर्मिनोलॉजी से तुम्हें वो कराया जा रहा है कि क्या क्या टर्म यूज होती है, ठीक है। अब मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होता है इनका, सबसे पहले सेंटरिंग एंड सटरिंग होते हुए देखी होगी तुमने, सटरिंग वगैरह ये पहले भी पढ़ा है। उसके बाद क्या करते हैं, वी विल गो फॉर रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट की लेयर ले डाउन करते हैं, ठीक है। फिर उस पे सीमेंट कंक्रीट की लेयर पुट करते हैं। फिर जो फ्लोर टोपिंग है, इट कैन बी आइदर मोनोलिथिक विद स्लैब, जब स्लैब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तभी कर देंगे, और इट कैन बी नॉन मोनोलिथिक ऑल्सो। तो नॉन मोनोलिथिक जो है वो दो तरह की होती है, सिंगल लेयर टोपिंग और टू लेयर टोपिंग, ठीक है। जैसे हमने सीमेंट कंक्रीट में पढ़ी थी, सेम इज हियर बेसिकली। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें सस्पेंडेड फ्लोर में करते हैं, तो सस्पेंडेड फ्लोर प्रिपेयर कर लिया, कैसे किया, सबसे पहले सेंटरिंग और सटरिंग की, सटरिंग लगा दी, उसके बाद उस पर रेनफोर्समेंट की लेयर कर दी, और उसके बाद सीमेंट कॉन्क्रीट ले डाउन कर दिया, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज फ्लोर टॉपिंग। अब जो फ्लोर टॉपिंग है वो सिमिलर होगी जैसे हमने प्रीवियस सीमेंट कॉन्क्रीट के केस में की थी, आइदर इट कैन बी मोनोलिथिक और इट कैन बी नॉन मोनोलिथिक। क्लियर है, यस और नो, ठीक है। नेक्स्ट इज आरसीसी बीम स्लैब फ्लोर। इसमें क्या होगा, दिस इज योर बीम, ठीक है, एंड दिस इज योर स्लैब, ठीक है। इसमें क्या होगा, दे विल बी कास्टेड एज मोनोलिथिक, बीम और स्लैब दोनों एक साथ कास्ट होंगे, देन इट इज कॉल्ड एज आरसीसी बीम एंड स्लैब फ्लोर। आरसीसी फ्लैट स्लैब फ्लोर में क्या होते हैं, वी विल प्रोवाइड द कॉलम हेयर, ठीक है, नो बीम इज प्रोवाइडेड। कहाँ देखा है ऐसा तुमने, आरसीसी फ्लैट स्लैब फ्लोर कहाँ देखे, एग्जैक्टली सर, पेट्रोल पंप, ठीक है, मंदिर में नॉट नेसेसरीली, ठीक है, पेट्रोल पंप, सही है। रिब्ड फ्लोरिंग में क्या करते हैं, सम पार्ट इज रिमूव, ठीक है, रिबिंग कर देते हैं कुछ कुछ पार्ट की, ठीक है, डेट इज कॉल्ड रिब्ड फ्लोरिंग, ठीक है। जनरली हम जो घरों में यूज करते हैं, वी विल गो विद फर्स्ट टाइप, जो पहली तरीके की होती है, यही आरसीसी स्लैब फ्लोर ये यूज करते हैं, ठीक है। और समटाइम वी विल गो विद मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन ऑफ बीम एंड स्लैब, ठीक है। नेक्स्ट इज रेनफोर्स्ड ब्रिक फ्लोर, इफ इंस्टेड ऑफ दिस सीमेंट कॉन्क्रीट वी विल गो विद ब्रिक, देन इट इज कॉल्ड रेनफोर्स्ड ब्रिक फ्लोर। दिस इज योर एंड, ठीक है, किसी को कोई डाउट यहां तक।